नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आदि पुरुष की फर्स्ट डे की बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन के बारे में। देखा जाए दोस्तों, जिस हिसाब से इस मूवी के रिव्यू निकले हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मूवी बहुत ही बेकार है। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये मूवी अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस में ताबड़तोड़ कमाई करते हुए दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसके इवनिंग एक्यूपेंसी की बात करें, वो बहुत ही तगड़ी मानी जा रही है। और देखा जाए अब तक के इसका जो टोटल नेट कलेक्शन हो रहा है पहले दिन का, वो हो रहा है 90 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, और देखा जाए इस मूवी की जो नाइट की एक्यूपेंसी है वो और भी बढ़ सकती है। शायद हो सकता है कि ये मूवी अपने पहले दिन 95 करोड़ का भी नेट कलेक्शन कर ले। और वहीं अगर इसके ग्रॉस कलेक्शन के बारे में बात करें, तो जाहिर सी बात है जब ये मूवी नेट कलेक्शन के मामले में 90 करोड़ या इससे ऊपर कलेक्शन करेगी, तो ग्रॉस कलेक्शन में ये मूवी आराम से 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी पहले दिन। और वहीं अगर हम इस मूवी की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बात करें, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में भी ये मूवी 130 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करते हुए दिख रही है। हालांकि पहले कुछ रिव्यू निकल करके सामने आए थे और बताया जा रहा था कि ये जो मूवी है, जब इस मूवी के रिव्यू निकल करके आएंगे तब बहुत से लोग मूवी देखने जाएंगे। हालांकि मूवी की हाइप बहुत ही तगड़ी है और इसके जितने भी रिव्यू निकले हैं, देखा जाए सारे के सारे नेगेटिव हैं। और ये मूवी भी एक तरीके से देखा जाए बहुत ही बेकार है। मतलब रामायण के नाम पे काला धब्बा है और डायरेक्टर को जितनी भी बातें सुनाई जाएं वो कम होंगी, क्योंकि ये रामायण भगवान श्री राम पे आधारित मूवी थी जिसका इन्होंने पूरी तरीके से सत्यानाश कर दिया है। और खासकर तो मनोज मुंतशिर ने जो डायलॉग लिखे हैं इस मूवी में, जब हनुमान जी रावण की लंका जलाते हैं तब बोलते हैं, तेरे बाप का कपड़ा है ये, तेरे बाप का तेल है, तेरे बाप की आग है और तेरे बाप की ही जलने वाली है। मतलब इस टाइप के जो डायलॉग दिखाए गए हैं वो बिल्कुल ही बेकार हैं। और देखा जाए मूवी के रिव्यू भी बहुत ही बेकार निकले हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी देखा जाए मूवी जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है अपने पहले दिन, वो वाकई में काबिले तारीफ है दोस्तों। और देखा जाए शायद इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो डाउन हो वो मंडे से डाउन हो सकता है, क्योंकि सैटरडे संडे तो आप जानते ही हैं लोग मूवी देखने जाएंगे। हालांकि इसके चाहे जितने ही खराब रिव्यू क्यों ना हो, लेकिन जब लोग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुनेंगे कि इस मूवी का इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है पहले दिन, तो जाहिर सी बात है लोग ये मूवी देखने जाएंगे जरूर। और वैसे भी हो सकता है इस मूवी की जो नैया पार होगी वो होगी साउथ साइड से, क्योंकि साउथ साइड में प्रभास की फैन फॉलोइंग बहुत ही तगड़ी मानी जाती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अच्छी खासी सुनामी आ सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं फिलहाल कुल मिला के जो मेरी राय थी, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल रहा है, वो मैंने आपको बता दिया है। और फिलहाल आपने अगर मूवी देखी हो तो आप भी मुझे कमेंट में कुछ बता सकते हैं, और अगर नहीं देखी हो तो एक बार रामायण के नाम पे आप धोखा खाने जा सकते हैं भगवान श्री राम के नाम पे। लेकिन मुझसे आपसे हाथ जोड़ के बस यही विनती होगी, जब ये आप मूवी देखने जाइएगा तब रामायण को अपने माइंड से हटा दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और इस मूवी की बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन हम आपको सुबह देंगे। सुबह जैसे ही इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल के आएगा, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये मूवी पहले दिन 100 करोड़ के ऊपर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करते हुए दिख रही है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।